हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिजाइनर ब्लाउज जो कि नेट फैब्रिक पर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर सीक्वेंस वाली नेट की फैब्रिक ली है और ये साटन का फैब्रिक है और यहाँ पर देखिए अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर यानी लाइनिंग पर ही कट करेंगे। नेट का कपड़ा आपको 1 मीटर लगभग लेना पड़ेगा और अस्तर का और साटन का 80 सेमी में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अस्तर के फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख दिया है और हम लंबाई लेंगे 15 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लंबाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए शोल्डर लेंगे 6.5 इंच और आर्म होल भी हम 6.5 इंच लेंगे। तो यहाँ ध्यान रहे कि आपको नेट का कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा और अस्तर और साटन का कम में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेना है और फिर ऐसे भी लाइन को सीधा कर लें। अब यहाँ राउंड शेप दे देना है आर्म होल के शेप में। अब यहाँ हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगा के आपको लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर देखिए कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर है 28 इंच, तो 28 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 7 इंच और फिर 1 इंच हम डार्ट के लिए लेंगे और फिर यहाँ 2 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। कम या ज़्यादा आप अपने गार्डिंग कर सकते हैं, जितना चेस्ट हो जितना कमर हो उससे अपने गार्डिंग ले उसका चौथा हिस्सा लेके। और फिर देखिए इन दोनों निशान को सीधा कर लेना है। अब हम इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर अस्तर की कटिंग हो गई है। अब देखिए हम नेट के फैब्रिक को भी कट करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले नेट के फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख के फिर उसके ऊपर यहाँ पर देखिए अस्तर की जो कटिंग हुई है वो रख देंगे। अब गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच, आप 4 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ से देखिए 4 इंच पैसे निशान लगा के अब इन दोनों निशान को ऐसे सीधा कर लेना है और फिर ऐसे राउंड शेप दे देना है। अब यहाँ से देखिए गले की डिज़ाइन हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 7 इंच पैसे निशान लगा दें और फिर यहाँ से इस तरह से मिला दें राउंड शेप देते हुए। लगभग 1 इंच की इसकी चौड़ाई होगी। तो यहाँ पैसे आप राउंड शेप देते हुए बना दें। अब यहाँ से देखिए हमें 4 इंच पैसे एक निशान लगा दे, यानी नीचे से आपको कमर के पट्टी से 4 इंच पैसे निशान, लगभग इन दोनों के बीच में 1 इंच का फासला होगा। फिर इस निशान को आर्म होल में ले जाके मिला देना। अब देखिए नेट के फैब्रिक को भी कट कर लेना है। और यहाँ अब देखिए ये जो अस्तर का फैब्रिक है ये पूरा हिस्सा हमारा नेट का रहेगा और ये देखिए जो ये नीचे का हिस्सा है वो बस साटन पर रहेगा, तो इसलिए हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब देखिए सेम इसे हमें कट कर लेना है। अस्तर को भी रख करके और नेट को भी एक साथ इसे कट कर लें, गले की डिज़ाइन को ये देखिए सेम ऐसे कट कर लें। अब इसे भी कट कर लें दोनों का वो जो हिस्सा है। और यहाँ पे देखिए तो ये आप देख सकते हैं जो नेट है ये हमारा पूरा रहेगा, ये पूरा हिस्सा रहेगा ऊपर से नीचे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा अस्तर का है ये हमें बीच से यहाँ से ऐसे कट कर लेना है, ये जो नीचे का हिस्सा है बस वो साटन पे रहेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। तो ये हमने ऊपर का कट करके निकाल दिया है, तो बस इसी की ज़रूरत है हमें, ऊपर के हिस्से की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे तैयार होगा ये डिज़ाइन। तो आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट इस तरह हो जाएगा। तो अब देखिए जो अस्तर का फैब्रिक है सेम इसी तरह हमें साटन के फैब्रिक पर भी कट कर लेना है। ये देखिए साटन के फैब्रिक को 2 फोल्ड करके और सेम उसी तरह जैसे अस्तर की कटिंग हुई थी सेम उसी तरह कट कर लें। अब यहाँ पर देखिए हमारा सबसे नीचे अस्तर का रहेगा, फिर उसके ऊपर साटन का रहेगा और फिर उसके ऊपर नेट का फैब्रिक रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है फैब्रिक तो बस अस्तर से ही काम चल जाता है, ट्रांसपेरेंट रहता है तो इसलिए हमें साटन के फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छे लुक आया है। अब हम इसे स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए हमें यहाँ पर कॉर्नर में डोरी लगाने के लिए मैंने डोरी तैयार किया है और आप अगर चाहें तो डोरी लगा सकते हैं। मैं यहाँ बटन का यूज कर रही हूँ, देखिए एक बटन है और मैंने सेम फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर फैब्रिक वाला बटन बना दूँगी। अगर आपके पास रेडीमेड बटन हो तो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सेम फैब्रिक का ही है, ऐसे ही कोई भी किसी भी बटन का यूज आप कर सकते हैं। और देखिए ऐसे धागे के सहायता से बांधना है खूब अच्छे से, टाइटली अच्छे से इसे बांध ले और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट कर लें। यहाँ पर देखिए मैंने फैब्रिक को भी एक्स्ट्रा जो था उसे कट कर लिया है। यहाँ पर देखिए ऐसे डिज़ाइन ये बन करके आएगा। तो इसे हमने बना के रख दिया है। अब हम सबसे पहले नेक की लाइन को बनाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो अस्तर और साटन का फैब्रिक है उसे हमें
स्टिच करना है। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अस्तर के फैब्रिक को रखना है और उसके बाद साटन के फैब्रिक को, यानी दोनों साइड ये सीधे साइड में रहेंगे तो हम बस इसे पलट देंगे, तो उस चीज़ का आप उल्टे और साइड का ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए, हाफ इंच का पेयर देते हुए हमें इसे सिलाई लगा देना है ऊपर के साइड में, और अंदर का जो दोनों हिस्सा सीधे साइड ही रहेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान दें ताकि पलटने के बाद ये सीधा हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, अब इसे कट कर लें छोटे छोटे कट करके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे करिए, फिर अस्तर के ऊपर आपको एक सिलाई लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रहे, अस्तर के ऊपर आप सिलाई लगाने से दूसरी तरफ ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा और हमारी जो स्टिचिंग है वो फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब हमें कार्नर पे एक सिलाई लगानी है। इन दोनों के कार्नर पे एकदम आपको इस चीज़ का ध्यान रहे, जितना अच्छा आप स्टिच लगाएंगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आती है ब्लाउज की। तो आप ज़्यादा कोशिश करें एकदम सीधा स्टिच लगाएं, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना, तो इससे फिनिशिंग आती है ब्लाउज की। तो आप देखिए, मैंने सिलाई लगा दिया, अब इसे हम चारों साइड से भी सिलाई लगा देंगे अस्तर और साटन के फेब्रिक को। यहाँ इसे सिलाई लगा दे अच्छे से। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है, जो भी एक्स्ट्रा फेब्रिक हो उसे कट कर लें। अब हम गले की डिज़ाइन बनाएंगे नेट के फैब्रिक पर। तो यहाँ देखिए, मैंने और एक पट्टी काटी है साटन के फैब्रिक को, लगभग 1.5 इंच की है इसकी चौड़ाई। तो अब देखिए, यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ आप बटन को कितने में ये कवर हो जाएगा उसे हम नाप करके फिर यहाँ पर इसे धागे से बांध लें, यानी बटन की जो जगह है वो कितने में एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पर आपको नाप करके इस धागे को ऐसे बांध लें। तो अब देखिए, हम एक कार्नर पर यहाँ पर इसको ऐसे अटैच कर लेंगे, फिर जब और पट्टी लगाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो आसानी से हमारा जो पीछे साइड भी ये दिखेगा नहीं और मजबूती के साथ भी ये हो जाता है। ये अच्छा तरीका है, या फिर आप सब सिल के बाद में भी ऊपर से भी लगा सकते हैं, बट इस तरह लगाने से आपका ब्लाउज जो एकदम फिनिशिंग आएगा। यहाँ देखिए, जब ऐसे पलटेगा तो इसका अच्छा लुक आएगा। अब देखिए, ये और पट्टी मैंने कट की है साटन के फेब्रिक की, अब इसे ऐसे दो फोल्ड कर लें। अब इसे हाफ इंच का पेयर देते हुए सिलाई लगाते जाएं अच्छे से, जो गले की डिज़ाइन है नेट के फैब्रिक के ऊपर। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप बहुत ही सावधानी से, यानी धीरे धीरे आपको ये सिलाई लगानी है। तो ऐसे सिलाई लगाते जाएं, और साटन का फैब्रिक इसलिए आप नेट का फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं ये और पट्टी, बट साटन के फैब्रिक पर लगाने से ये थोड़ा अच्छा लुक देगा, सेम नीचे रहेगा और फिर पट्टी लग जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे हम लगा रहे हैं, जहाँ आपको कॉर्नर या दिखे तो वहाँ आपको हल्का सा फोल्ड कर देना। ये देखिए, नीचे यहाँ कॉर्नर आया है, तब इसे हम एक प्लेट लगा देंगे, यानी एक चुनट, बहुत ही पतला सा चुनट लगा दें, ताकि यहाँ से जब हम फोल्ड करेंगे दूसरी तरफ तो आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ों को करने से हमारे जो ब्लाउज के डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छे दिखते भी हैं और जो सिलाई में है उसमें फिनिशिंग आती है। तो यहाँ देखिए, फिर ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर इस साइड हम बटन लगाएंगे, उस साइड हमने डोरी का ये कज बना दिया है। अब देखिए, यहाँ पर ऐसे कट कर लें, छोटे छोटे कट कर लें। अब यहाँ आपको सेम उसी तरह, यहाँ देखिए, इस पर फैब्रिक के ऊपर उस तरफ करके आपको इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है, एकदम कार्नर पर लगाना है, फिर इसे हम अंदर से फोल्ड करेंगे। अभी हम बस कार्नर पर इसकी सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये दूसरी तरफ आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी समझ ना आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और पसंद भी आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़, बड़ी मेहनत लगती है स्टिच करने में, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें दूसरी तरफ ये उल्टे साइड में ऐसे आपको फोल्ड कर देना है। और सबसे अच्छा इसका ये तरीका है कि अगर आप और एक पट्टी लगाते हैं तो आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से एक बराबर ही है, जो देखने में अच्छा लगता है। अगर आप, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो हम ज़्यादा कहीं मोटा कहीं पतला दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। अगर इस तरह और एक पट्टी करके आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लुक देता है ये। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक सीधे से पूरा इसमें अटैच कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम बटन को देखिए, आप वैसे भी गांठ लगा सकते हैं या फिर आप सुई के सहायता से इसे और हमें अच्छे से मजबूत कर लेना है। अब इसे हमें अटैच कर लेना है, ये देखिए ऐसे करके। आप यहाँ पर डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इस ट्रांसपेरेंट डिजाइन में बटन का यूज़ काफ़ी यूनिक लगता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें।
तो ये हमारा जो बटन है वो हम खुद से तैयार कर देते हैं। अगर आपको ऐसे ही किसी भी डिज़ाइन में बनाना हो तो ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है। अब हम इसमें अटैच कर लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले नीचे हमें ये फेब्रिक को ले लेना है साटन के, फिर यहाँ से आपको ज्वाइन करते आना है। यहाँ देखिए ऐसे कॉर्नर पे ज्वाइन कर ले, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि अच्छे से सभी को मैनेज करते हुए ही सिलाई लगाते जाएं। ये नहीं कि कहीं आधा इंच इधर हो उधर हो। अब 20 से पहले निशान लगा के अच्छे से दोनों साइड से सिलाई लगा दें। यहाँ देखिए, फिर चारों तरफ से नीचे साइड में भी अटैच कर लेंगे, यानी जो अस्तर का है, साटन का है और नेट का है, उसे भी हम अटैच कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर जाके देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, तो उसे जाके आप चेकआउट करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तैयार कर दिया। नीचे आप कमर पट्टी लगा सकते हैं, वो तो ईजी है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है। इसका फ्रंट पार्ट मैं लिंक में दे दूँगी, उसे ज़रूर आप चेकआउट करिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।